आयोजक थे वहां जो भीड़ थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है ट्वीट है, वो जो आयोजक थे उन्होंने सौरभ शर्मा को कहा ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, इसको जान से मार दो, इसको जान से मार दो, ये सजा है इसकी। ये है नया भारत। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो चलिए पहले थोड़ा शुरू करते हैं हमारे हिंदुत्व के स्तंभ यति नरसिंहानंद से। तो जरा देखें कितने उच्च विचार रखते हैं जी ये लोग। भारत की 80% आबादी हिंदूज की है, भारत की रूलिंग पार्टी संघी, भारत का PM संघी, होम मिनिस्टर संघी, और सब कुछ हिंदू, पर फिर भी ऐसे लोग हमारे हिंदू भाई बहनों के मन में डर पैदा कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई साहेब, इतने हजार सालों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते थे, मुगलों के समय में हिंदू भाइयों ने नहीं कहा, तो BJP के आने से अगर हिंदू खतरे में हो गया तो इसका कारण तो हमें BJP और इस जैसे लोग ही लगते हैं। तो क्या हो जाए, प्रधानमंत्री मुसलमान होने का मतलब सारी कार्यपालिका उनकी होगी, और आज भी है उनकी, आज भी उनकी है, और जो जज रहे हैं, जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो प्रधानमंत्री, जो ये उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने जिहाद किया अपनी पोस्टों पे बैठ के, उन्होंने पे देश की सेवा नहीं की है, उन्होंने इस्लाम की सेवा की है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है अब्दुल कलाम, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे मानवता का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है, उसने जो जिहाद बैठ के राष्ट्रपति कुर्सी में बैठ के किया वो अतुलनीय है। अब्दुल कलाम ने सबसे बड़ा जिहाद तो ये किया कि उसने बहुत सारे वैज्ञानिकों की हत्या करवाई, और इस्लाम को एटम बम बनाने का, जब अब्दुल कलाम अमेरिका गया ना और उसकी नंगी करके तलाशी ली गई, तो उस समय यहाँ UPA की सरकार थी, UPA की सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था, तो वहां से उन्होंने FBI ने 124 फाइलें हमारे जो है विदेश मंत्रालय को दी थी, RTI लगा के पता करो कि सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, और उन्होंने बताया था कि जिसे तुम अपना जो है यहाँ इतना बड़ा वो मानते हो, हम इसे फादर ऑफ इस्लामिक एटम बम मानते हैं अब्दुल कलाम को, और अब्दुल कलाम को इतना इंटेलिजेंट नहीं था जितना से दिखाया गया, वो तो क्योंकि वो मुसलमान था तो दिखाया गया। सर हम अमेरिका के मानने पे थोड़ा, अमेरिका तो मोदी जी को वीजा देने से मना कर देता था, मोदी जी को वीजा इस समय नहीं, वो महान महान वो इसका कारण है, 2000 जब तक उनके वर्ल्ड ट्रेड टावर नहीं टूटा था, जब तक वो जानते नहीं थे कि इस्लाम का जिहाद क्या है, आज हर अमेरिकन हमसे ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि इस्लाम का जिहाद क्या है। सर अब धीरे धीरे दुनिया बताइए, आप अब्दुल कलाम को जिनको देश इतना सम्मान देता था। न्यूज लॉन्ड्री वाले भी उच्च स्तर के लोग हैं, जरा देखें इस क्लिप में कैसे ये चाटुकार जो सुप्रीम लीडर के गुणगान करने में जुटा था, तो न्यूज लॉन्ड्री ने इसका मजाक उड़ाया और भाई साहब ने तो टाइटैनिक से भी बेहतर प्रेम कहानी बना दी। बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे घुटने टेक रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे ये दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेता बोने साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के होंगे जो UNSC की अध्यक्षता करेंगे, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व उन्हें सुन रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 मिनट में विरोधियों को आज खत्म कर दिया। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हारे सारे के सारे। कौन कौन वो नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिकस्त दे दी है? इमैनुअल मैक्रो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे ये बड़े बड़े नेता पानी भरते नजर आ रहे हैं। जो बाइडेन को भी पछाड़ दिया, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर जो देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछड़ गए। सच में? कोई भी, लेकिन मोदी को हराना देश ही नहीं दुनिया के नेताओं के लिए भी मुश्किल हो गया। Really? ट्विटर के फॉलोअर्स की रेस में मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स को पीछे। तो बीच में हमने सोचा आपको एक खुशखबरी दे दें, पर ये आपके लिए और हमारे लिए नहीं है, ये है हमारी सरकार के लिए। वहीं जहां एक और एक आम व्यक्ति को अब शादी पर भी GST देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप शादी में 5 लाख से ऊपर खर्च करते हैं तो आपको पहले सरकार का पेट भरना होगा 90,000 से। दूसरी ओर कच्चे तेल के दाम $15 कम हुए, पर हमारे घटिया लीडर हमारे पेट्रोल डीजल का दाम नहीं कम कर रहे। अगला क्लिप हम देखेंगे जिसका हमें इंतजार था।
इस क्लिप में हम सुनेंगे ऐसी घटना जो सुनकर चाटुकारों को शायद शर्मिंदा कर दे। ये जो नफरत गोदी मीडिया ने फैलाई है, इसका असर अब इन पर खुद ही होने लगा है। जो ये चीख चीख कर कहते थे कि अजान को लाउडस्पीकर में नहीं बजाना चाहिए, वही हरकत जब ये जागरण पर करने लगे तो इनको हिंदूवादी संगियों ने पकड़ कर पीट दिया। ये हुआ है गुल्लू के चैनल के एक चाटुकार पर। ना चाहता हूं आसिम वकार, आपने संजू वर्मा और संगीत रागी को सुन लिया। वो ये कह रहे हैं जो दंगाई पत्थरबाजी करने के लिए निकलेगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हमला करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, हत्या के इरादे से उतरेगा, अब ये नया इंडिया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसिम वका, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर, संगीत रागी को तो मैं कुछ मानता ही नहीं, इनको तो मैं मानसिक रोगी मानता हूं। ऐसे मत एक पूर्व आपकी साथी, नाम ले रहा हूं, मोहतरमा साक्षी जोशी जी, आजकल अपना कोई चैनल चला रही हैं यूट्यूब, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी, वो मैंने शेयर की। देखिए होता क्या है, जो लोग ये फैलाते हैं जहर, वो भी अपने जहर से बच नहीं पाएंगे। ये जहर जो होता है, वो जब बनाया जाता है तो वैज्ञानिक जो बनाता है जहर, वो बनाता है दूसरों के लिए, लेकिन जो वैज्ञानिक जहर बना रहा है, ये कहिए कि जहर उसको असर ना करे, ये इम्पॉसिबल है। को जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। जहर से मरता वो भी वैज्ञानिक है। यही सेम कंडीशन लागू हो गई। साक्षी जोशी साहब का ट्वीट है कि कल रात 11:30 बजे न्यूज 18 हिंदी के एक वर्कर जनाब सौरभ शर्मा साहब, जो सुपर टेक इको विलेज 3 में नोएडा में रहते हैं, उन्होंने उनकी सोसाइटी में जगराता के नाम पे बहुत तेज लाउडस्पीकर बज रहा था, गाने बज रहे थे, उन्होंने 112 पर कॉल किया पुलिस को। पुलिस ने उनसे कहा कि आप भी मौके पर आइए, हम भी जा रहे हैं। तो जब सौरभ शर्मा जी मौके पर पहुंचे अपनी ही सोसाइटी में, तो जो आयोजक थे, जो बहुत तेज लाउडस्पीकर बजा रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास पुलिस की परमिशन है लाउडस्पीकर बजाने की रात भर। तो सौरभ शर्मा साहब ने कहा कि हमें परमिशन दिखाइए, परमिशन तो 10 बजे रात तक की होती है। तो सौरभ शर्मा साहब को वहां पे जो आयोजक थे पुलिस के सामने, उस पुलिस के सामने वो परमिशन नहीं दिखा पाए, और वो जो आयोजक थे वहां, जो भीड़ थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है ट्वीट है, वो जो आयोजक थे उन्होंने सौरभ शर्मा को कहा ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, इसको जान से मार दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसको जान से मार दो, ये सजा है इसकी, ये है नया भारत। संगीत रागी साहब, बात मुसलमानों की नहीं है, बात आतंकवाद की और भारतीयता की है, कि सौरभ शर्मा भी मुसलमान हो गया, पाकिस्तानी हो गया, खाली इसलिए कि उसने एक आवाज उठाई, उसको जान से मार देंगे, उसका 6 साल का बच्चा। मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूं, उनकी वाइफ के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन ये जहर जो फैलाया जा रहा है, ये उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल होने लगा। भगवान राम वो हैं जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और ये लोग दलितों का लिंचिंग करते हैं। वो कहता है राज तेरा, वो कहता है राज तेरा, ऐसे भगवान के अनुयायी हम लोग हैं, और हम एक दूसरे को नफरत करनी सिखाते हैं। असली हिंदुत्व है सब लोग शांति से पूजा करें, एक दूसरे की पूजा में विघ्न डालना उस वक्त राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाती थी। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि एक असल हिंदू में और इन संगी मानसिकता वाले हिंदू में क्या अंतर है। इसे विस्तार से बताते नजर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जब गोदी चैनल पर बैठकर केजरीवाल ने सभी संगी मानसिकता वाले लोगों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हिंदुओं के सबसे श्रद्धेय और सबसे बड़े भगवान कौन है? भगवान रामचंद्र। मेरे हिसाब से भगवान राम का संदेश, उन्होंने जो जो बोला, वाणी उनकी, रामायण में जो जो लिखा है उनकी वाणी, उनका आचरण, यही हिंदुत्व है, उसके अलावा कुछ भी हिंदुत्व नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
भगवान राम वो हैं जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं और ये लोग दलितों का लिंचिंग करते हैं, ये हिंदुत्व नहीं है। कहाँ रामायण में लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों की लिंचिंग करनी चाहिए? कहाँ रामायण में लिखा है कि एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए? भगवान राम ने सबसे बड़ा त्याग करके दिखाया। सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है, भगवान राम राजा बनने वाले हैं अयोध्या के, और रात को शाम को उनके पिताजी उनको बुलाते हैं और केकई कहती है कि राजपाट छोड़ दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरे अयोध्या की जनता उनको प्यार करती थी, वो कहते मैं नहीं छोड़ता, कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन राजा बन जाते, फिर राजा बन जाते तो राम राम नहीं रहते। वो दो मिनट के अंदर खुशी खुशी स्माइल करते हुए और 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व साम दाम दंड भेद करके इंसान को इंसान से लड़ा के, वो हिंदुत्व नफरत की राजनीति हिंदुत्व नहीं है। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.